ओके सो हेलो गाइस एंड वी आर लाइव नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इज़ एवरीवन आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन एंड डेफिनेटली दोस्तों आपका आई स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है आपको ऑलरेडी उसके बारे में पता भी होगा कि क्या डिटेल है लेकिन कंटिन्यूसली बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार डिस्कस कर दो नोटिफिकेशन को सो so, इसीलिए मैंने सोचा कि बिकॉज आज के बाद तीन चार दिन पाँच दिन के लिए आई एम ऑन ऑफ़ फॉर थ्री फोर डेज सो मे बी आई मे नॉट बी एबल टू यू नो डिस्कस अबाउट दैट सो इसीलिए आज हमने डिसाइड किया है कि हम आपके साथ एक बार नोटिफिकेशन uh, के ऊपर बात कर लेते हैं और उससे पहले दोस्तों आप सब जानते हो प्रीलिम्स uh, और मीन्स दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है कंपोनेंट्स एंड uh, दोनों ही कंपोनेंट्स को अगर हम आई स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें अन अकेडमी कैप्चर करता है एंड डेफिनेटली आपके जो बैचेस हैं सेवेंटीन नवंबर से भी शुरू हो रहे हैं जिसके अंदर आपके वेरियस क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश के बैचेस भी रहेंगे जो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगे इन क्रैकिंग योर आई बी पी एस एफ ओ एग्ज़ाम और द आई बी पी एस स्पेश्ट ऑफिसर एग्ज़ाम सो मल्टीपल क्लासेज होती हैं बेटा अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ठीक है uh, हर रोज हर दिन हर घंटे बहुत सारा कंटेंट जो है वो ऐड होता है ठीक है और वो कंटेंट सिर्फ लाइव क्लासेस के फॉर्म में नहीं आप रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में भी उस कंटेंट को डेफिनेटली देख सकते हो ठीक है सो इट्स द राइट टाइम टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन फॉर अन अकेडमी प्लस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आई बी पी एस स्पेशलिस्ट ऑफिसर और वेरियस अदर एग्जामिनेशंस ओके सेवेंटीन नवंबर से आपके वेरियस बैचेज शुरू हो रहे हैं एडवांस प्रैक्टिस बैच एस बी आई पी ओ के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस बी आई पी ओ की प्रीलिम्स की तैयारी में भी वही सब आता है जो आपके आई बी पी एस ए एफ ओ के प्रिलिम्स की या आई बी पी एस एस ओ के प्रीलिम्स की तैयारी के अंदर आता है ठीक है उसके बाद आपका रन विजय सी बैच है ठीक तो है तो काफ़ी बैचेज हैं काफ़ी अच्छे बैचेज हैं जो टाइम लाइन के अंदर हैं एंड अन अकेडमी की ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स भी रेज कर सकते हो ठीक है आप अपने डाउट्स जो रेज करोगे आपको बस ऐप आप के ऊपर जाकर डाउट्स एंड सोल्यूशन वाले सेक्शन में जाना है एंड वहाँ पर आपको क्लिक आज का डाउट के ऊपर क्लिक करना है एंड वहाँ पर आप अपने डाउट की इमेज को अपलोड कर देंगे एंड डेफिनेटली आपको उन डाउट्स के वीडियो सोल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे ठीक है और राइट सो बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा एक ना अन्यडमी का बैंक कॉम्बैट है लेट मी शो यू द इमेज फॉर दैट डमी का ना एक बैंक कॉम्बैट जो है वो होगा एंड दिस विल बी ऑन द ऑफ दैट इज योर संडे अब इसका फायदा क्या है इसके अंदर कुछ जीतने की आग हमारे अंदर होनी चाहिए हमेशा विक्ट्री एक ऐसी चीज होती है जिसकी आ, जिसकी भी आदत होती है जीतने की भी कई बार इंसान को जो है वो आदत होती है हर किसी में वो आदत नहीं होती और जिन लोगों को वो आदत हो जाती है ना आप उनको देखोगे कि डेफिनेटली वेन दे आर मेड हैबिचुअल ऑफ दिस वो जीतना और ज़्यादा उनकी चाह बन जाती है उनकी ज़रूरत बन जाती है एक तरह से कि नहीं भैया किसी भी तरह से जीतना ही जीतना है उनको भूख हो जाती है जीतने की तो इसको आप सिर्फ इस तरीके से मत समझें कि हम कॉम्बैट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए नो दिस इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू एक तो आपको आइडिया लगता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर जज कर पाते हो क्योंकि कॉम्पिटिशन में जब आपका रियल लाइफ में एग्जाम होना है वहां पर भी यही सब बच्चे होंगे जो कॉम्बैट के अंदर अल्टीमेटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है तो इस बार जो आपका फोर्टीन को होना है उसके अंदर जो हंड्रेड पार्टिसिपेंट्स होंगे हंड्रेड लक्की पार्टिसिपेंट्स दे विल बी गिवन वाउचर्स वर्थ अपू रुपीज फाइव थाउजेंड तो जो भी लोग रजिस्टर करके टेस्ट करेंगे उसके अंदर उनको डेफिनेटली दे दे विल विल बी बी अलाउड यू नो गिवन दिज वाउचर्स एंड स्कॉलरशिप्स तो आपकी यहां पर है ही थर्टी सिक्स क्वेश्चन का ये टेस्ट होता है And पहले ये सिर्फ एंड्रॉइड के ऊपर होता था लेकिन अब ये वेबसाइट के ऊपर भी आप दे सकते हो अगर कोई बच्चा पीसी पर या फिर लैपटॉप पर इसको अटेम्प्ट करना चाहता है तो वो इसको भी अटेम्प्ट कर सकता है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड इसको अनलॉक करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बस आपको एक कोड यूज करना है दैट इज के गर्ग फोर के गर्ग फोर के जी ए आर जी फोर और आप ये कोड लगाओगे आपका वो टेस्ट अनलॉक हो जाएगा ठीक है मजा आएगा वाउचर भी जीतने का मौका है स्कॉलरशिप भी जीतने का मौका है और कंपटीशन में कहा स्टैंड करते हैं उसको जानने का भी यहाँ पर आपके पास मौका है ठीक है चलो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द नोटिफिकेशन विद यू क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको बार बार बोल रहे थे कि सर एक बार नोटिफिकेशन को भी उठा लो तो एक बार नोटिफिकेशन uh, की ही चर्चा आपसे कर लेते हैं चलिए आ जाइए यहाँ पर तो बेटा ये आपका आ, नोटिफिकेशन जो अभी निकाला गया था सी सी आर पी स्पेशलिस्ट ऑफिसर इलेवन वैकेंसीज़ ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए एंड इसके अंदर जो पोस्ट कवर की जाएंगी पोस्ट्स जो आपकी इसके अंदर कवर होंगी वो देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी पोस्ट के लिए ये बेसिकली एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा मिनट ठीक है तो कौन सी पोस्ट के लिए इसको कवर किया जाएगा बेटा उसमें आपकी आई ऑफिसर है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जिस जो मेरा मेन एरिया है डिस्कशन का राजभाषा अधिकारी लॉ ऑफिसर और आपका एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर ये सारे के सारे ऑफिसर जो हैं ये स्केल वन में आएंगे ठीक है स्केल वन के अंदर ये आपके बेसिकली जो है सारे के सारे ऑफिसर्स आते हैं एंड डेफिनेटली इन्हीं के लिए आपकी जो है नोटिफिकेशन निकाली गई है और इसके अंदर अब डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर कि अपने पास नोटिफिकेशन में है क्या क्या सारी बातों को डिस्कस करेंगे एंड फिर अगर आपको कोई डाउट उसमें से इमर्ज होता है तो वो भी आप एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आपको पता होने चाहिए कि अगर आपका पेपर क्रैक होता है तो कौन से बैंक्स के ऑप्शंस हैं आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है कैनरा बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक यूको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक तो इन बैंक्स के लिए बेसिकली रिक्रूटमेंट करता है आईबीपीएस आपका जैसे कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आईबीपीएस एएफओ का पेपर मैं अगर देता हूँ या आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पेपर मैं देता हूँ तो क्या मैं एस में नौकरी लगेगी तो वो एक पिक्चर बड़ी माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि वो एस में आपका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि एस इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करता एस बी अपने एग्जाम जो है वो खुद कंडक्ट करता है तो एस का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम एस uh, ही उसको कंडक्ट करवाता है बेसिकली अ सेपरेट एग्जाम स्पेशली फॉर एस तो वो जब नोटिफिकेशन एस की आएगी तब आप उसको एस के अंडर कवर करोगे ठीक है तो अभी तो आपके यही वाले जो बैंक हैं बेसिकली वो पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर फिर टेंटेटिव डेट्स बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए माइंड के अंदर टेंटेटिव डेट्स जो है उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन uh, नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले आपका इस केस में आ जाएगा ऑनलाइन uh, रजिस्ट्रेशन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डेट है बेटा तेईस तारीख आखिरी डेट है तीन तारीख को खुला था तेईस तारीख आखिरी डेट है आई वुड रिकमेंड यू ऑल की डू नॉट मेक योर सेल्फ डिपेंडेंट ऑन द लास्ट डेट ठीक है लास्ट डेट के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो सर्वर डाउन हो जाता है कई बार वो आपकी कोई गलती भी नहीं होगी अल्टीमेटली सर्वर डाउन हो गया वेबसाइट में कोई इशू आ गया आप जहां पर रह रहे हो आप जिस स्टेट या जिस सिटी के अंदर रह रहे हो वहां पर कोई कनेक्टिविटी के अंदर प्रॉब्लम आ गया या वहाँ पर कोई इशू क्रिएट हो गया तो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं तो एडवाइजेबल यही है कि अगर आपने पेपर देना ही है तो तेईस तारीख तक वेट करके क्या हो जाएगा कुछ होने वाला तो है नहीं ना ठीक है और एप्लीकेशन फीस भी आपको तेईस तारीख तक जो है वो भरनी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो प्रीलिमिनरी टेंटेटिव डेट है दैट इज ट्वेंटी सिक्स दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जस्ट आफ्टर योर क्रिसमस ठीक है तो छब्बीस बारह दो हजार इक्कीस को आपका रहेगा प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा और मेन्स एग्जामिनर एग्जाम जो है वो आपका थर्टी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को टेंटेटिव डेट रहेगा तो अराउंड थर्टी फोर डेज का अपने पास समय है ठीक है थर्टी फोर डेज का समय है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है फाइनली आपका मेंस का जो रिजल्ट है वो फेब्रवरी के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फेबर और मार्च फेब्रवरी एंड मार्च बिगनिंग में आपके इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे एंड फाइनली अप्रैल के अंदर आपका आईबीपीएस एफ का फाइनल रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो निकल करके आ जाएगी ठीक है पता चल जाएगा कि किसका हुआ किसका नहीं अल्टीमेटली ठीक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहती है तो इसको डिस्कस करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसमें रहती है तो सबसे पहले तो नेशनैलिटी और सिटीजनशिप उसमें तो आप क्लियर होने चाहिए कि आप भारत के या तो नागरिक हो या फिर आप नेपाल या भूटान के नागरिक हो अगर आप तिब्बतीन कोई रेफ्यूजी हो जो इंडिया में फर्स्ट जनवरी 1962 से पहले आए हो और उसके बाद से आप परमानेंट सेटलमेंट के इंटेंशन से आए हो इंडिया में ठीक है एंड ऐसा कोई व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है और जिसने पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जो आपकी हैं ठीक है वियतनाम और वो इस इंटेंशन से इंडिया के अंदर आया विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन टू इंडिया तो उस केस में आप एलिजिबल हो ठीक है तो इसके अंदर ज्यादा इशू नहीं आता मेन इशू आता है बेटा एज के अंदर मिनिमम एज आपकी बीस साल की होनी चाहिए यानी कि एक ग्यारह दो हजार इक्कीस को आप बीस साल के होने चाहिए ठीक है एक ग्यारह दो हजार इक्कीस यानी कि एक नवंबर दो हजार इक्कीस को आपकी कम से कम उम्र बीस साल की होनी चाहिए अगर आप ये कह दो कि सर मेरा बर्थडे ना दो ग्यारह को आता है दो नवंबर को आता है और दो ग्यारह दो हजार इक्कीस को मैं बीस साल का होगा मेरा बर्थडे दो ग्यारह को है दो ग्यारह ग्यारह दो हजार इक्कीस को मैं बीस वर्ष का होगा तो क्या मैं एलिजिबल हूँ आप एलिजिबल नहीं हो ठीक है आप एलिजिबल नहीं हो एक ग्यारह डेट डेट पर आप 21 साल के होने चाहिए मैक्सिमम उठता है कि एक ग्यारह दो हजार इक्कीस को ठीक है अ कैंडिडेट मस्ट से अगर आपका पहले का जन्म है तो आप पेपर के लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आप कि उम्र 30 साल से ऊपर क्रॉस हो चुकी है एंड सिमिलरली कोई भी कैंडिडेट अगर एक ग्यारह दो एक के बाद उसका जन्म हुआ है तो उस केस में भी आप एलिजिबल नहीं हो अब ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव है इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी का जन्म दो ग्यारह नाइनटीन को ही हुआ है ठीक है तो वो कहेगा कि सर अब बताओ मैं एलिजिबल हूं या नहीं तो आप एलिजिबल हो अगर आपका जन्म दो ग्यारह नाइनटीन को ही हुआ है तो आप एलिजिबल हो अगर आपका एक ग्यारह नाइनटीन को हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो सिमिलरली अगर आपका एक ग्यारह दो को हुआ है तो आप एलिजिबल हो अगर आपका दो ग्यारह दो हजार एक को भी हुआ है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो एक तो ये चीज जो है जो ध्यान में आपको अच्छे से रखनी है क्वालिफिकेशन की बात करो आईटी ऑफिसर अगेन मिनिमम मैक्सिमम तो वही है और आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चार ईयर की इंजीनियरिंग की या टेक्निकल डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कॉम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटर कम्युनिकेशन या तो इनके अंदर आपकी किसी में ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ठीक है, है, या फिर तो -E तो अगर आप आप इनमें से कुछ भी आपके पास है, तो आप -IT के अंदर अप्लाई कर सकते हो एफ ओ के लिए आपको चार ईयर की डिग्री ग्रेजुएशन चाहिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी साइंस डेयरी साइंस फिशरी साइंस पिसी कल्चर एग्री मार्केटिंग एंड कॉपरेशन कॉपरेशन एंड बैंकिंग एग्रो फॉरिस्ट्री फॉरिस्ट्री एग्रो बायोटेक फूड साइंस एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट फूड टेक्नोलॉजी डेरी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेरिकल्चर तो इनमें से किसी के अंदर भी आपके पास अगर आपकी चार साल की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो सिमिलरली राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए हिंदी विद इंग्लिश एज अब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा लॉ ऑफिसर के लिए एल एल बी होने चाहिए आप और बार काउंसिल के अंदर आप एज एन एडवोकेट आपकी एनरोलमेंट कंप्लीट हो गई होनी चाहिए एच आर पर्सनल या ऑफिसर बनने के लिए आपको आ, दो साल का पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि आपको एम करना पड़ेगा ठीक है इन वेरियस डोमेन्स यू कैन डू दैट मार्केटिंग ऑफिसर अगेन आपको दो साल का फुल टाइम एम एम एस दैट इज़ मार्केटिंग और टू ईयर फुल टाइम एम बी ए या फिर पी जी डी ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं वो आप कर कर चुके हो तो आप मार्क ओके आई थिंक देअर वॉज सम इंटरप्शन इन बिटवीन नो इश्यू तो अब हम सीधा ना ए एफ ओ स्पेसिफिक चीजों को डिस्कस करेंगे क्योंकि जो मेरा डोमेन है अभी वो ए एफ ओ का है आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस अबाउट वेरियस अदर पोस्ट तो ए एफ ओ हमारा मेन जो है वो एजेंडा रहेगा तो ए एफ ओ को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सो अस डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ओके चलो जी उसके बाद अब एक चीज हमें और ध्यान में देनी है ठीक है कि जो आपका अप्लाई आप कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए दैट शुड बी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकोगग्नाइज नहीं है तो आप एलिजिबल उसके लिए नहीं होंगे ठीक है एंड आपका जो रिजल्ट है दैट शुड बी डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर ट्वेंटी थ्री इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटीज टू बी सबेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो कई बच्चे कहते हैं कि सर हम फाइनल ईयर में हैं हमारे पेपर हो चुके हैं एंड हमारा बेसिकली uh, हम रिजल्ट वेट कर रहे हैं तो उस केस में भी नोटिफिकेशन में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि तेईस ग्यारह दो हजार इक्कीस को आपके हाथ में आपका रिजल्ट आना चाहिए अगर तेईस ग्यारह दो हजार इक्कीस के हाथ के टाइम पर आपके पास आपका रिजल्ट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो ठीक है सो तेईस ग्यारह दो हज़ार इक्कीस से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है या उस दिन आ जाता है तो आप एलिजिबल हो इवन इफ़ यू आर अवेटिंग द रिजल्ट अब कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं थर्ड ईयर में हूँ ये एक बड़ा डाउट uh, मेरे को सुनने को मिलता है कि सर मैं अभी थर्ड ईयर में हुआ हूँ और मेरे पेपर तो अभी मार्च अप्रैल में होने हैं तो क्या मैं एलिजिबल हूँ तो बेटा बहुत जनरल सी चीज़ है कि आप अभी ग्रेजुएट हो ही नहीं ठीक है ये प्रोविजन सिर्फ उनके लिए रखा गया जाता है कि जिनके फाइनल ईयर एग्जाम्स हो चुके हैं फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं सिर्फ वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ठीक है सिर्फ ऐसे लोगों के लिए ये प्रोविजन रखा गया है आप तो अभी ग्रेजुएट हुए ही नहीं आपके तो पेपर भी अभी मार्च अप्रैल में होना है और अप्रैल में तो उन्होंने फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट कर देनी है तो आप एलिजिबल कैसे हो गए आप जब ग्रेजुएट हो गए उसके बाद आप एलिजिबल बनते हो तो ये सवाल बिल्कुल ही एकदम से बेबुनियाद सवाल है ठीक है इसका कोई जो है लिंक नहीं रहेगा आप अगर आपके पेपर हो चुके हैं फाइनल एंड इफ यू आर देयर जस्ट आप रिजल्ट का अवेट कर रहे हो तब आप दे सकते हो नहीं तो नहीं दे सकते पेपर ठीक है और मिनिमम इसके अंदर आपको जो है सिक्सटी परसेंटेज uh, जो है वो चाहिए होते हैं सिक्सटी परसेंट आपके मिनिमम होने चाहिए ओके okay? एंड uh, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों के मन में फिर से एक डाउट आता है दैट इज रिलेटेड टू लेट मी शो यू दैट दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू अगर फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट है तो उस केस में उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव विल बी इग्नोर दैट इज फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन विल बी ट्रीटेड एज लेस देन सिक्सटी परसेंट अगर आपके फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट है तो उसको लेस देन सिक्सटी परसेंट ही कंसिडर किया जाएगा ठीक है उसको फिव... आप ये नहीं कह सकते कि आ, मेरे फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन है तो ये अप्रॉक्सीमेटली तो सिक्सटी परसेंट ही हो गया

ओ में थ्री ईयर्स यानी कि थर्टी का थर्टी थ्री हो गया पी वी डब्ल्यू डी यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसबिलिटी टेन ईयर्स का रिलैक्सेशन है ठीक है दैट इज टेन ईयर्स का फोर्टी ईयर्स यहाँ पर हो गया एंड फाइनली अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं या आप कोई कमीशनड ऑफिसर हैं इंक्लूडिंग एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर या फिर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं या आपने पाँच साल एटलीस्ट मिलिट्री सर्विस में काम किया है ठीक है जी उसके अलावा एनी अदर सर्विस बेसिकली जिसके अंदर आप काम कर रहे हो अंटिल एंड एनलेस आपको मिसकंडक्ट के उस पर निकाला नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आपके जॉब से मिसकंडक्ट के उसमें निकाला गया था तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होगे आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा एक्स सर्विस में इनको फाइव ईयर्स का एंड पर्सन हु हैव बीन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनको भी पाँच साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा दिनेश आई एम रियली सॉरी गाय अभी तो मेरे पास नहीं है हिंदी के अंदर पी डी एफ अभी मैं सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही पी डी एफ लेकर के आया हूँ लेकिन आई एम ट्राइंग टू डिस्कस एवरीथिंग विद यू इन हिंदी मेरा सारा लेक्चर जो है वो मेनली हिंदी में ही है तो आई गेस आपको ईजीली समझ में आ जाएगा कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो वो आप मुझे बता सकते हो मैं उसको रिपीट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा एक सरल हिंदी भाषा के अंदर भी ठीक है चलो आगे चलो बेटा आगे चलते हैं एंड रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन में आपके वेरियस क्राइटेरियाज आ जाएंगे पीडब्ल्यू के अंदर जिसको आप एक बार पढ़ लेना ईजी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर मेन एरियाज को अब हम डिस्कस करते हैं ओके ऑल अब ये आ जाओ एग्जाम पैटर्न के ऊपर जो अपना मेन एरिया ऑफ डिस्कशन है तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए अलग होगा और आईटी ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एचआर पर्सनल और मार्केटिंग ऑफिसर इनके लिए एक अलग होगा ठीक है अब हमारा क्योंकि एएफओ मेन टारगेट है तो हम एएफओ वाले एरिया को ही देखते हैं सबसे पहले तो एएफओ में आपका एक तो इंग्लिश हो गया रीजनिंग हो गया क्वांट आ गया तो आपका क्यूआरई वाला कंपोनेंट आ गया हर एरिया में से 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टोटल 150 क्वेश्चन है इंग्लिश की जो वेटेज है दैट इज 25 मार्क्स यानी कि हर क्वेश्चन 0.5 मार्क का है रीजनिंग में 50 मार्क्स वेटेज है यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का है एंड फाइनली uh, आपका क्वांट क्वांटिट uh, भी 50 क्वेश्चंस है दैट इज 1 मार्क ईच 125 मार्क्स का टोटल आपका प्रीलिम्स है आपको यहाँ पर सेक्शनल टाइ, टाइमिंग दी जाएंगी 40 मिनट्स आपके इंग्लिश के लिए है, 40 रीजनिंग के लिए एंड 40 आर फॉर योर क्वांट सो टोटल अगर हम देखें तो इट इज 120 मिनट्स 120 मिनट का आपका पेपर है यानी कि टू आवर्स का आपका पेपर होगा ठीक है टू आवर्स में आपको 120 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फिफ्टी क्वेश्चन ईच इंग्लिश से पचास रीजनिंग से पचास और क्वांट से पचास इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जो आपका रीजनिंग और क्वांट है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर अवेलेबल जो है वो रहेगा ठीक है और सेक्शनल कट ऑफ भी होगी ओवरऑल कट ऑफ भी होगी उसके बाद जो बच्चे प्री को क्वालिफाई करेंगे प्री को क्वालिफाई करने वाले बच्चों को मेंस में लेकर के जाया जाएगा और मेंस के अंदर जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा ठीक है मेंस एग्जामिनेशन जो लॉ ऑफिसर आईटी ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एच पर्सनल और मार्केटिंग ऑफिसर का है ठ नंबर नंबर ऑफ क्वेश्चन साठ होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी साठ होंगे यानी कि हर एक नंबर का एक क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा 45 मिनट्स का ये एक छोटा सा पेपर आपका होगा ज्यादा लंबा पेपर नहीं होता है फोर्टी मिनट्स का पेपर होता है क्योंकि थ्योरी बेस्ड पेपर होता है ठीक है अब जनरली एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट यहाँ पर बच्चों को इमर्ज होकर के आता है जो मैं आपको कह रहा था कि आई आल बी डिस्कसिंग दैट डाउट अभी ऊपर मैंने उसको हाईलाइट किया था कि वील बी डिस्कसिंग दैट लेट मी शो यू दैट फर्स्ट एरिया लेट मी टेक यू टू दैट एरिया चलो ठीक है ओके okay. सो so, एक चीज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट uh, है वो क्या है हाँ मैं वो भी बताऊंगा वो भी बताऊंगा अभी आपको एक चीज जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्पेशलिस्ट एग्जाम है अगर अब आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी पर चलते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी में ये लिखा गया है कि फोर ईयर डिग्री एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी साइंस डेयरी साइंस ऐसे हर में लिखा गया है ठीक है तो इस केस में आप देख रहे हो कि अलग अलग एग्रीकल्चर के एरियाज के अंदर जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बट पेपर सबका सेम होगा ऐसा नहीं है कि जो जो एग्रीकल्चर के अंदर ग्रेजुएट है उसके लिए पेपर अलग होगा जो हॉर्टिकल्चर के अंदर ग्रेजुएट है उसके लिए अलग होगा और जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ग्रेजुएट है उसके लिए अलग होगा पेपर विल बी सेम फॉर एवरी जो भी ए पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सबका एक ही पेपर होगा ठीक है तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो पेपर होगा दैट विल बी जनरलाइज्ड पेपर एग्रीकल्चर के सारे डोमेन्स ऐसा नहीं है कि पेपर सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री स्पेसिफिक पेपर वो बना दें क्योंकि उसमें क्या होगा जिस बच्चे ने हॉर्टिकल्चर के अंदर ग्रेजुएशन किया है वो खड़ा हो जाएगा वो आई के ऊपर केस कर देगा आई को बोलेगा कि यार तुमने हॉर्टिकल्चर में से तो सवाल ही नहीं डाले मेरा तो चार साल मैंने हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन किया है ठीक है तो इसीलिए एक जनरलाइज और एक मिक्सड पैटर्न uh, जो है वो पेपर का लेकर के चलिएगा डेफिनेटली वो जरूरी uh, चीज आपके लिए रहेगी ठीक है और दूसरी चीज अब दोबारा से आ जाते हैं हम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पे तो 60 क्वेश्चंस आपसे पेपर के अंदर पूछे जाने हैं लेकिन ये जो 60 क्वेश्चंस हैं इनका जो एरिया है वो बहुत डाइवर्स है ठीक है ये 60 क्वेश्चन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कहां से आएंगे क्योंकि एग्रीकल्चर इतना बड़ा सब्जेक्ट है इतना बड़ा समंदर है तो उसके अंदर से साठ क्वेश्चन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई बहुत मुश्किल नहीं है एग्जामिनर के लिए ठीक है ये तो वही बात हो गई पूरे समंदर में से आपने साठ बाल्टियां निकाल ली तो पता भी नहीं चलेगा कि समंदर का पानी कम हुआ या नहीं ठीक है तो सिमिलरली सिक्सटी क्वेश्चन तो प्रॉबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस टाइप के नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का इसीलिए थर्टी फोर डेज के अंदर इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता इस सब्जेक्ट आपने चाहे ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर में की है लेकिन आपको प्रिपेयर तो पूरे का पूरा सिलेबस करना है ना और वो चीज़ भी थर्टी फोर डेज के अंदर नहीं हो सकती ठीक है अगर आप ये सोचो कि थर्टी फोर डे थर्टी फोर डेज में भी नहीं बच्चे प्रिपेयर करते छब्बीस दिसंबर को पेपर दे करके आएंगे फिर एक हफ्ता रुकेंगे कि रिजल्ट आने देता हूँ फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करूंगा या रिजल्ट आने देती हूँ उसके बाद पढ़ाई शुरू करूंगा अल्टीमेटली उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाला बेटा अगर आप ये वाला एटीट्यूड लेकर के चलोगे कि रिजल्ट आने देता हूँ उसके बाद पढ़ाई शुरू करूंगा या रिजल्ट आने देती हूँ उसके बाद पढ़ाई शुरू करूंगी दैट विल नॉट बी एट बेनिफिट टू यू एट ऑल किसी भी तरीके से वो आपको बेनिफिशियल नहीं होगा ठीक है तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट ना करें अगर आई बी देने का सपना है आई बी पी एस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने का सपना है तो अभी से तैयारी उसको शुरू करें अभी भी दो लेट हो चुका है लेकिन अब और लेट ना करें ठीक है चलो आगे चलते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमें डिस्कस करना है वो देखते हैं चलो जी अब इधर आ जाओ द टोटल मार्क्स ये मार्क्स वाले फंडे के ऊपर आ जाओ नाउ द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू इज हंड्रेड इंटरव्यू के लिए सौ नंबर है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन फोर्टी परसेंट यानी कि आपको इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम चालीस मार्क्स चाहिए एस सी एस टी ओ बी सी पी बी पी डब्ल्यू बी डी के लिए ये कम करके थर्टी फाइव मार्क्स कर दिया गया है यानी कि अगर आपके फोर्टी मार्क्स से कम आते हैं ठीक है और फॉर एग्जाम्पल आपके मेन्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर के आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर जाते हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल कट ऑफ गई आपकी मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एट्टी मार्क्स लेकिन आपके इंटरव्यू में आए मार्क्स यू टोटल कितना बन गया नाइन बन गया फिर भी आप क्वालिफाई इसको नहीं करोगे क्यों नहीं करोगे क्योंकि आपके मिनिमम मार्क्स इंटरव्यू के जो है वो आपने क्लियर नहीं किए है तो मिनिमम आपको 40 नंबर इंटरव्यू में लेने पड़ेंगे 35 फॉर द रिजर्व कैटेगरीज वेटेज रेशियो ऑफ़ ऑनलाइन वेटेज टू इंटरव्यू बट 20%, 20 uh, परसेंट वेटेज uh, के होने के बावजूद आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 मार्क्स और 35 मार्क्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे ठीक है जी ओके okay. ऑल right, चलो और जब आप इंटरव्यू में विजिट करोगे तो कैंडिडेट को अपने प्रिस्क्राइब uh, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे ठीक है एंड उस केस में अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर नहीं हुए आपके पास तो दिक्कत आ जाएगी तो इसीलिए अभी से अगर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर फॉल्ट है तो उसको अभी से ठीक कराना शुरू कर दो ठीक है जी ये आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहां पर गिवन है जो आपको रिक्वायर्ड होती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बट ये आप एक बार देख लेना पढ़ लेना इसके अंदर अभी ज्यादा अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है ठीक है चलो ओके आगे देखते हैं ये सारी बात की बातें हैं इफ यू आर सेलेक्टेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट ठीक है जी चलो आपकी फीस कितनी है ये भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए रिजर्व कैटेगरीज के लिए 175 है जिसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है और जनरल कैटेगरीज के लिए इट इज रुपीज एट फिफ्टी ठीक है साढ़े आठ सौ रुपए प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन दिस दिस इज नॉट टू बी डिस्कस ओवर वेयर ओके

बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी खाली पड़ा है कुछ नहीं है इनके पास कैनरा बैंक के अंदर तीन सीट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी तीन सीट है उसके बाद आपका इंडियन बैंक खाली है इंडियन ओवरसीज बैंक खाली है पीएन खाली है पंजाब एंड सिंध बैंक खाली है यूको भी खाली पड़ा है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका 260 सीट्स हैं इनके पास टोटल आपकी 884 सीट्स हैं रिजर्वेशन और सबको मिलाकर के जनरल की 397 है ई की 99, ओबीसी की टू एस टी फिफ्टी एट एंड एस सी इज वन ट्वेंटी अब अगर आप मुझसे पूछो परमिला यहाँ पर कि बैंक कौन सा प्रेफर करें देखो जनरली मैं बैंक जो प्रेफर करता है यहां पर सबसे पहले मैं प्रेफर करता बैंक ऑफ बड़ौदा को जो आपकी लिस्ट के अंदर ही नहीं है ठीक है बड़ौदा तो है ही नहीं ना अपने पास अवेलेबल फिर मैं प्रेफर करता पी को वो भी आपकी लिस्ट के अंदर नहीं है ठीक है तो मेनली जो मेरे दो इंपॉर्टेंट बैंक थे जिनको मैं पर प्रेफर करता वो मेरे गायब हो रखे हैं। तो अगर मेरी फर्स्ट एंड प्राइमरी प्रेफरेंस हैं इंटरव्यू के, करो, करो, के लिए भी हम रखेंगे सिस्टम ठीक है तो बैंक ऑफ बड़ौदा और परमिला एनबी पर गायब हैं अपने जो दो अच्छे बैंक थे अब देखो एक बैंक यहाँ पर जो हमें पकड़ना चाहिए वो है फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी होनी चाहिए अगर आप जा रहे हो पेपर के लिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए कैनरा बैंक क्योंकि एक अच्छा बैंक है एक बढ़िया बैंक है और इसके प्राइवेटाइज होने के चांसेस फ्यूचर में कंपैरेटिवली कम है हमें ऐसा सरकारी बैंक दो आईबीपीएस के अंदर हमारा एजेंडा चाहे वो आप आई क्लरिकल दे रहे हो आईबीपीएस पीओ दे रहे हो और चाहे आप आई का कोई भी एग्जाम दे रहे हो क्योंकि हम सब सरकारी नौकरी को एस्पायर करते हैं तो हमें ये बैंक क्योंकि अभी सरकार ने बोला हुआ है कि अभी हम और भी बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे तो हम ऐसे बैंक्स को चूज करें जिनके प्राइवेटाइज होने के चांसेस कम है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर रहना है अगर आपको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता देन इट्स अ डिफरेंट गेम लेकिन डेफिनेटली फर्क तो पड़ता ही है यार वी ऑल वांट टू तो बी इन अ गवर्नमेंट जॉब ठीक है तो कैनरा बैंक आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपकी दूसरी प्रेफरेंस होनी चाहिए ये दो इनमें सीटें भी सबसे ज्यादा है और यही आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए अराउंड सिक्स सीट्स इन्हीं के अंदर है तो फर्स्ट टू प्रेफरेंसेस इसको आप कर सकते हो अगर आपको कैनरा और सेंट्रल में से सेंट्रल अगर ज्यादा पसंद है तो आप फर्स्ट पे सेंट्रल डाल दो सेकंड पे कैनरा डाल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर पहली दो प्रेफरेंसेस आप कैनरा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को रखें ठीक है और कैनरा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद अगर आपको प्रेफरेंस डालनी है तो उसके बाद तो आप किसी की भी डाल दो यूनियन बैंक की डाल दो या बैंक ऑफ इंडिया की डाल दो एक ही बात है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 260 सीट है बैंक ऑफ इंडिया में 24 है तो वो आप कोई भी डालो लेकिन पहली दो प्रेफरेंसेज इनके अलावा कोई और मत डालना क्योंकि इनका प्राइवेटाइज होने का जो कैनरा बैंक का कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ सोलली अगर मैं कैनरा बैंक के ऊपर फोकस करूँ तो बाकी जो सारे बैंक हैं उनमें से सबसे कम चांसेज इसके हैं कि ये प्राइवेटाइज होगा सबसे पहले हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी के हैं कि ये तो प्राइवेटाइज नहीं होने वाले ये तो कन्फर्मड है लिखवा करके ले लो लेकिन उसके बाद कैनरा बैंक का भी मैं अभी श्योरली कह सकता हूँ कि नियर टर्म फ्यूचर में ये प्राइवेटाइज नहीं होगा तो डेफिनेटली दिस शुड बी योर अप्रोच ठीक है ये बेसिकली आपको मेरे हिसाब से जो है अपने उसके अंदर भरना चाहिए अपने सिलेक्शन के अंदर अपनी चॉइस के अंदर इसको आप फिलअप करें ठीक है उसके अलावा बाकी की पोस्ट्स के लिए भी आप देख सकते हो इधर आप एग्रीकल्चर ए एफ ओ के अलावा कुछ अप्लाई कर रहे हो एग्जामिनेशन सेंटर्स की एक बार लिस्ट देख लेना नोटिफिकेशन के अंदर ठीक है क्योंकि कई बार बच्चे का पर्टिकुलर सिटी या स्टेट सेंटर में नहीं होता तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ को पहले से ही रिजॉल्व करके रखें उसके अलावा एक ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ऑल राइट सो ये सारी इन्फॉर्मेशन बेट, बेटा देख करके रखना आगे फॉर्म्स ही फॉर्म्स हैं जो आपके वेरियस सर्टिफिकेट्स हैं बैकवर्ड क्लास एस सी तो वो सारे फॉर्म्स यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर अब यहाँ पर कोई डाउट है नोटिफिकेशन में रिमेनिंग एरिया में मेन मेन एरियाज को मैंने डिस्कस कर लिया है अगर कोई और चीज़ में कुछ इशू है तो बताओ अगर कहीं पर कोई दिक्कत लग रही है कई बार कर देते हैं कई बार कर देते हैं जो एन आर वैकेंसी होता है नॉट रिपोर्टेड वैकेंसी होती है दे डू समाइम्स ठीक है लेकिन उस केस में भी कितनी वैकेंसी रिपोर्ट कर देंगे अगर वैकेंसीज़ इनके पास ऑलरेडी ज़्यादा होती तो ये ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके होते दे डू इट समटाइम्स ठीक है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो देखो अगर तो फॉर एग्जांपल आप इस रिस्क को नहीं उठाना चाहते मैं तो जनरली यही प्रेफर करता हूं कि नॉन रिपोर्टेड जो है उनको छोड़ ही दो ठीक है लेकिन बच्चे कई बार कहते हैं कि सर क्या पता इसके अंदर बाद में कोई सीट आ जाए तो अगर आपको वो केस है अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, सर बाद में इसमें सीट आ जाए तो हमें इनके अंदर जाना है देखो अगर मैं एज अ स्टूडेंट जाता तो मैं तो कैनरा बैंक को टॉप पर भर देता उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर आपको वो एक इशू लग रहा है तो उस केस में आप क्या करो आप सबसे पहले बॉब को भरो फिर पी को भरो फिर आप अपने कैनरा बैंक को भरो और फिर आप अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भर दो अगर वो वाली चीज के अंदर आपको सर्टिनिटी मेंटेन करनी है तो ठीक है क्लियर लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं और अगर सीट्स रिपोर्ट होती भी है तो बहुत ज्यादा कोई सीट्स रिपोर्ट होती नहीं है ठीक है जी और कोई डाउट उट चलो चलिए सो ठीक है गाइस आई थिंक एवरीथिंग इज रिजोल्व नाउ फिर भी अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दीजिएगा वहां पर उसको हम पिकअप कर लेंगे एंड टाइटल इसका आज हमने वैसे तो क्वेश्चन डिस्कस करने दे बट कंटिन्यूअसली ये आ आर आधा की सेट डिस्कस करो अब एक लेक्चर में स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगा आज एक बार नोटिफिकेशन डिस्कस हो गई अब एक बार स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा टाइटल मैं इसका चेंज करवा दूंगा ठीक है चलिए सो विल सी विन द नेक्स्ट लेक्चर गाइज टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय